वेलकम वाराणसी के आइकॉनिक एलईडी बोर्ड का नगर आयुक्त द्वारा उद्घाटन किया गया। नगर आयुक्त द्वारा मलदैया चौराहे के पार्क में वेलकम वाराणसी के आइकॉनिक एलईडी बोर्ड के इंस्टॉलेशन के साथ वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के अनुक्रम में चौकाघाट चौराहे पर विद्युत विभाग ऑफिस के कॉर्नर पर दिव्यकाशी भव्यकाशी के सांस्कृतिक एवं हेरिटेज बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इस बोर्ड में वाराणसी के ऐतिहासिक धार्मिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को सामूहिक रूप से काशी की गरिमा के अनुसार संयोजित किया गया है। शासन के निर्देश थे कि शहर को सौंदर्यकरण करना है और जगह जगह पर आपके जो चौराहे वगैरह उसको मेंटेन करना है, हरियाली बढ़ानी है, ताकि क्योंकि पर्यटक वाला स्थल है, यहाँ लोग आते हैं तो एक वाराणसी की एक पॉजिटिव छवि जाए। इस दिशा में शासन अपने नगर निगम अपने संसाधनों से भी कर रहा है और आज ये जो चौराहा है ये तीनों आईलैंड इसको गोद लेकर जो संस्था है उनने वृक्षारोपण भी कराया और ऐसे एक विजुअल अपीलिंग जो बोर्ड्स हैं जिसमें वाराणसी में लोगों का स्वागत कर रहे हैं इनके द्वारा लगाया गया। इसमें शासन की कोई निधि खर्च नहीं हुई और ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता कि लोग सहयोग देके जन सहयोग से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। लगता कि नहीं कि ये सेल्फी पॉइंट बन सकता कभी? मुझे तो ये पता लगा है सुबह लगते ही लोग यहाँ आके सेल्फी खींचने लग गए थे क्योंकि आसपास काशी विद्यापीठ भी है और स्टेडियम का रास्ता भी है, तो जो एक यंग क्राउड है वो भी एक बार अपने आप को अगर सेल्फी करती है तो वाराणसी से आइडेंटिफाई करती है और साथ ही साथ उसको एक अपना ये करती है कि वाराणसी के अच्छे कार्यों में उसका सहयोग रहता है। जिस तरह से हम ये देख रहे हैं ऐसी कैंट के नीचे आई लव वाराणसी वाला हमने फाउंटेन लगवाया है वो अभी तक इनोग्रेट नहीं हुआ, लोग आके वहाँ सेल्फी खींच रहे हैं, तो हम ऐसे पॉइंट्स और बढ़ा रहे ताकि लोगों का शहर के प्रति एक लगाव बढ़े और लोग अपना सहयोग दें।